मेट्रो में की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे मुबशा बड़े ही गुस्से से रायान से बात करते हुए कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रायान। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि जैद आज भी उस लड़की से किस हद तक मोहब्बत करता है, ये जानते हुए भी कि मैं उसकी जिंदगी में शामिल हो चुकी हूँ, उससे मेरी कोई परवाह नहीं। लेकिन तुम्हें सबसे क्या गर्ज, तुम्हें तो फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ कश्माला की। मुबशा, कश्माला को मैं इस कार में सिर्फ तुम्हारी वजह से लेके आया हूँ, आखिर तुम उससे चाहती क्या हो? कश्माला ने तुमसे खुद ही प्रोमिस किया था ना कि तुम जैद के मामले को हमारे बीच नहीं लाओगी, तो फिर ये सब कुछ क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सचमुच में कश्माला से प्रॉमिस किया था? ये सब कुछ तो मैंने सिर्फ उसे दिखाने के लिए किया था, क्योंकि उस वक्त तो वो किसी सूरत पर मेरी बात मानने के लिए तैयार ही न होती। बस मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। कश्माला कभी भी इस घर में खुश नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक जैद मुझे इस घर में वही इज्जत और अहमियत नहीं देगा जो तुम कश्माला को इस घर में देना चाहते हो, तो तुम जानती हो कि ये सब कुछ मैं हर किस बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद रायान सारा गुस्सा कश्माला पर ही उतार देता है। तुम्हारा भाई आखिर साबित क्या करना चाहता है? आखिर उस लड़की में ऐसा है क्या जो वो मुबशा को अपनी जिंदगी में कबूल करने के लिए तक नहीं जानती भी हो कि ये सब कुछ देखकर मुबशा क्या फील कर रही होगी? मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ कि हमारे रिश्ते के दरमियान जैद नहीं आना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मुबशा के कहने पर मैं तुमसे ये सब कुछ कह रहा हूँ? तो और नहीं तो क्या रायान, तुम और तुम्हारे डैड इस घर में वही कुछ करते हो जो मुबशा कहती है। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं।